अलग-अलग रिश्तों को अलग-अलग तरीकों से हमारे दर्शकों के सामने पेश किया है और दर्शकों ने जी टीवी को हरदम सराहा है। इस परंपरा में ये एक हमारा नया शुक्रिया अलविदा आपके सामने पेश करते हुए, सूरज जी के साथ पेश करते हुए हमें बहुत आनंद महसूस हो रहा है। जी टीवी ने हरदम अपने फिक्शन शोज हो या नॉन फिक्शन शोज हो, हरदम एक्सपेरिमेंट करते रहा है। बहुत सारे शोज ऐसे एक्सपेरिमेंटल शोज थे, लेकिन दर्शकों ने उन्हें बहुत अच्छी तरीके से अपना माना। सूरज जी की एक खासियत है, चाहे वो फिल्म करे चाहे वो टेलीविजन शो करे, ये अपनापन उनकी हर कलाकृति में बहुत क्लोजली मौजूद होती है और इसीलिए उनकी हर एक कलाकृति दर्शकों को अपनी कलाकृति लगती है। वो कैरेक्टर्स अपने लगते हैं, वो प्लॉट्स अपने जीवन के प्लॉट्स लगते हैं। जिस तरीके से वो जिस नजाकत से जिस सौंदर्य दृष्टि से हर एक कलाकृति सूरज जी ने पेश की गई है, वो बहुत अपनी लगी है और अपने आप में उन्होंने हर कलाकृति के साथ एक नए बेंचमार्क को सेट किया है। इस शो के दौरान भी सूरज जी के साथ काम करते हुए जी टीवी टीम को, चाहे वो प्रोग्रामिंग टीम हो, प्रोमो टीम हो, मार्केटिंग टीम हो, स्ट्रेटजी टीम हो, हम सबको बहुत सीखने मिला है। ये वाक्य आप बहुत बार सुन चुके होंगे, लेकिन मैंने इसका अनुभव सच में लिया है। और जिस तरीके से सूरज जी ने, मैं और एक कहना चाहता हूँ, उनकी एक फिल्म का भी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को इस प्यार मेला शो में इन्वॉल्व किया है, उन्होंने वो फिल्म का प्रोजेक्ट भी पोस्टपोन किया है इस शो के लिए। थैंक यू सूरज जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। और जिस इन्वॉल्वमेंट से आप काम कर रहे हो, तो हमें जो कुछ सीखने मिल रहा है उससे बहुत कुछ हासिल हो रहा है, ऐसा मेरा कहना है। सो मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। कैन वी प्ले द प्रोमो इन फ्रंट ऑफ अवर ऑल जर्नलिस्ट फ्रेंड्स प्लीज। जब पेट भरा होता है ना तो ऐसी ही बातें सूझती, लेकिन अगर पेट खाली हो तो सिर्फ भूख सूझती है, पिज्जा बर्गर पास्ता। और वैसे भी गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र में कोई दादाजी जैसे टाइप की बातें कैसे कर सकता है। माँ कहती है कि सारे जवाब हमारे मंदिर में कन्हैया के पास। इतने लोग को बहलाते बहलाते वो बेचारे खुद ही थक जाते होंगे। पापा कहते हैं कि जानता है तुझ में और बाकी सब लड़कों में क्या फर्क है। मैं कहता हूं क्या फर्क है, फर्क सिर्फ इतना ही कि शायद पहले वो चले जाएं या फिर नहीं। मुझे तो फुल ढोंगी लगता है। अरे अभी तो लाइफ शुरू हुई है और जाने संन्यास लेने की ठानी तो उनकी मदर एक लड़की के पास गई और लड़की को कहा कि जरा विवेकानंद मेरे बेटे के इर्द गिर्द रहो, बस इतना ध्यान रहे कि इसका सर तुम्हारी गोद में हो, तुम्हारे चरणों में नहीं। उसी तरह विश्वामित्र ने तप किया कि एक नया स्वर्ग बनाऊंगा। इंद्र ने मेनका से कहा
कि जाओ और वो तपस्या भंग करो, अपनी अदाओं से, अपने नृत्य से, अपने लुभाने से। पर वो लड़की ने विश्वामित्र का मन पढ़ा और वो ऐसी भक्त बनी, सॉरी विवेकानंद का मन पढ़ा और ऐसी भक्त बनी विवेकानंद की। वो चीज वो समझ पाई जो शायद एक माँ ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी ना समझ रही थी। उस मेनका ने विश्वामित्र के तप का मर्म समझा जो इंद्र कभी देखना भी नहीं चाहते थे। तो आज की कहानी है हमारी, ये कोई विश्वामित्र मेनका की कहानी नहीं है। और आज के युग में भी अगर देखा जाए तो कितने पेरेंट्स जानते ही नहीं कि उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उनकी दुनिया में क्या चल रहा है। कितने पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे गलत सोच रहे हैं, बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो ऐसे में एक दोस्त काम आता है, वो दोस्त जो हम उम्र है, जो जान सकता है कि उस उम्र में क्या इनसिक्योरिटीज होती हैं, क्या चाहते होती हैं। तो ऐसी हमारी कहानी है पिया अलबेला, एक नरेन की कहानी जो जिंदगी की सच्चाइयां ढूंढ रहा है। उसने वो सच्चाइयां नशे में ढूंढी, बर्बादी में ढूंढी, हरियाली में ढूंढी, गंगा के घाट पे ढूंढा, एकादशी के साबूदाने में ढूंढा। और दूसरी तरफ हमारी पूजा देहरादून के कॉलेज में कॉमर्स पढ़ती है, मैथमेटिक्स की स्टूडेंट है, दूर दूर तक कभी नाम भी नहीं सुना स्पिरिचुअलिटी का। अपने मामा जी की संगीत के जो इंस्ट्रूमेंट्स उनकी दुकान में कभी कभी काम करती है, देखते कि लड़के आते बोलते सिस्टर जरा सितार दे दो, माँ को सुनाऊंगा, और ये जानती क्या ढूंढिए पटाने आया है। ऐसी लड़की को अगर लाया जाए, ऐसे लड़के को थोड़ा सा बिगाड़ने के लिए, तो क्या हो, ये है पिया अलबेला। एंड इस पे काम हुआ है एंड आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड दैट जी टीवी हैज अग्रीड टू ब्रॉडकास्ट दिस इन द 25th ईयर। थैंक यू आकाश जी, थैंक यू दीपक जी, थैंक यू रोहिणी, थैंक यू भक्ति फॉर ऑल द लव। एंड आई हैव टू थैंक ऑल माई टेक्नीशियंस, ये जो साल भर की मेहनत है, ये अभिजीत जी बैठे हैं हमारे राइटर, रितु, रिचल, दे आर लिविंग दीज रोल्स, आशीष जी डायरेक्टर, संजय जी आई कांट सी एवरीवन, टाइसन फॉर द लवली सॉन्ग ये इश्क है या ये बात है जोगी है, राघवेंद्र फॉर द लवली लिरिक्स, वर्षा फॉर द लवली सेट, शशांक, फातिमा, राहुल फॉर द लवली डायलॉग्स, थैंक यू फॉर लिविंग दिस ड्रीम विद मी। एंड जी पे हमारी सब फिल्में चलती हैं, शादी ब्याह के फिल्में चलती हैं, लोग बोलते हैं शादी ब्याह में प्यार, तो सोचा इस बार जी पे थोड़ा प्यार स्पिरिचुअलिटी की तरफ से हो तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच सूरज जी, विशिंग अस ऑल द बेस्ट के दर्शकों के। हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, इट्स अ स्पेशल मोमेंट हम सबके लिए, बहुत ही इन्होंने इतने सालों की मेहनत है और आज ये दिन फाइनली आ गया। तो नरेन ये जो कैरेक्टर है, जितना कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें इतनी शेड्स है, इतनी नॉट्स है, एंड आई थिंक यही वो चीज थी जिसने सबसे ज्यादा मुझे अट्रैक्ट किया। और लाइक द बेस्ट पार्ट ऑफ इट कि जब ये लड़की आती है एंड सिर्फ वो एक होता ना, एक मास्टर नॉट होता है, जो एक नॉट खींचने के बाद सारी उलझनें बहुत ही ईजी हो जाती है। एंड फॉर मी ऑल्सो ये वैसे ही था कैरेक्टर समझना, मतलब जितना ज्यादा इसे कॉम्प्लिकेट करते 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 इट बिकेम सो सिंपल आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। एंड द ओवरऑल एक्सपीरियंस, द जर्नी हैज बीन सो ब्यूटीफुल सो फार, एंड आई एम श्योर आगे जाके भी हमें इतना ही मजा आएगा साथ में काम करने में। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू। अक्षय के लिए अनुजा जिस मोनर से बनती, 8 साल से बेचारा अक्षय नरेन को जी रहा है, 8 महीने से, सॉरी 8 साल से तो मैं जी रहा हूँ। तो 8 महीने पहले हमने अक्षय की आंखें देखी तो बस आंखें सोचते हुए लगा कि ये है नरेन। पर उस समय हमारे राइटर अभिजीत जी ने लिखा कि नहीं, बाइक चलाना चाहिए,
एनिमल से प्यार होना चाहिए, तो ना एनिमल से प्यार ना बाइक। फिर आके देखते रहे, फिर ट्रेनिंग शुरू हुई, फिर योगा किया, फिर क्या क्या किया, कार्डियो, फिर आंखें देखते रहे, आज भी सिर्फ आंखें ही देख रहे हैं। सो दैट इज वेयर नरेन इज। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी। ये कैरेक्टर बिल्कुल, आई कैन रिलेट दिस टू माय सेल्फ, मैं भी ऐसी हूँ पूजा जैसी। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं सारे लड़कों को जानती हूँ, मुझे पता है कि कौन ढोंगी है, कौन क्या कर रहा है, और मैं उसी तरीके से डील करती हूँ। एंड पूजा इज सो मच लाइक मी, सो आई एम लिविंग माई सेल्फ ओनली। और ये कैरेक्टर प्ले करके मुझे बहुत बहुत मज़ा आ रहा है, बट मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कोई नरेन जैसा लड़का, मतलब एक्सपीरियंस नहीं हुआ किसी नरेन जैसे लड़के के साथ दोस्ती करना। तो वो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कैसा जाएगा, बिकॉज मेरे लिए भी पहली बार ही होगा कि इतना कि क्या चीज़ है। तो वो उसको भी मैं तभी सोच रही हूँ कि जीऊँगी, और अभी के लिए सिर्फ मैं पूजा आज के जमाने की लड़की, सेकेंड ईयर बीकॉम स्टूडेंट, बस यही है मेरा कैरेक्टर। थैंक यू। दोस्तों, सूरज जी चाहते हैं कि बिफोर वी प्रोसीड